Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number 4 और चैप्टर नंबर 4 में डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड दो प्रीवियस वीडियोस आप लोगों को अवेलेबल हो चुकी है। दैट इज़ एक तो अवेलेबल कराई है मीनिंग उसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और दूसरी वीडियो आप लोगों को मिली है अर्थमेटिक मीन के ऊपर। तो आज जो बेसिक मुद्दे की बात है दैट इज़ मीडियन, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इवन नॉट डिसेंडिंग डिसेंडिंग क्या सीक्वेंस है, कैसे करना है, क्या सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल मीडियन के डिस्कस करेंगे। तो मीडियन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, ठीक है। अब इस मिडल वैल्यू को आप लोग कैसे कंसिडर करोगे? इट मे बी एट इवन केसेस और ऑड केसेस, दो केसेस हो सकते हैं। इवन नंबर्स भी हो सकते हैं आपके सीरीज में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, मान लो 5 नंबर्स हैं। और ऑड नंबर भी हो सकते, ऑड नंबर दे दिए मैंने 5, और इवन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन नंबर भी हो सकते हैं। तो इट मे बी, इट क्वाइट बी पॉसिबल कि इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो। अब आप लोग ऑड नंबर में इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 2 यहाँ से हटाए, 2 यहाँ से हटाए, भाई 3 आपका मीडियन आ गया, मिड वैल्यू है ये। लेकिन आप कैसे बताओगे कि इसके अंदर मान लो आप 2 यहाँ से 2 यहाँ से हटा देते हो या 3 यहाँ से 3 यहाँ से हटाते हो तो बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, मिडल वैल्यू कौन सी होगी? तो ये आप लोगों को मीडियन में कैलकुलेट करने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज 2 कैटेगरीज इन मीडियन, इवन एंड ऑड। इवन सीरीज का फॉर्मूला होता है n/2 + n/2 + 1/2। अब इसको देख के परेशान मत हो जाना कि ये क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो अभी मैं पूरा क्राइटेरिया बताऊंगी कैसे सॉल्व होगा। और ऑड की टर्म्स नॉर्मल है n/2 + 1, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूले को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है एंड देन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी इसके क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। और सबसे पहले जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करोगे ना, मीडियन कैलकुलेट करते वक्त आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना डाटा को, असेंडिंग डाटा, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करो या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन मेरा प्रेफरेंस असेंडिंग ऑर्डर में रहता है कि या तो आप डाटा को असेंडिंग में अरेंज करो या तो आप डाटा को डिसेंडिंग में अरेंज करो। ऐसा मत करना कि आप डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में अरेंज कर दो, नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। जिसको नहीं पता असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में, तो असेंडिंग वो डाटा होता है, लिख लो छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग डाटा वो डाटा होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है बड़े से छोटा, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है मीडियन को कैलकुलेट करने का, उसके बाद फॉर्मूला रखते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, कैसे जब आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। मान लो सपोज एक क्वेश्चन दिया है 31, 32, 25, 24, 26, 30, ये आपको दिया है क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो आपकी मर्जी है आप डाटा को कैसे, ये क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैलकुलेट मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अगर इसका मीन कैलकुलेट करना होता तो क्या करते, इन सारी वैल्यूज को प्लस करते डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डिवाइड कर देते 6 से एंड दैट्स इट, मीन निकल जाता। मीन में कोई भी ज़रूरत नहीं होती असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज करने की, मीडियन में ज़रूर ज़रूरत पड़ती है। तो मीडियन में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर बताओ इसका कौन सा है, दैट इज 24, फिर आएगा 25, फिर आएगा 26, देन 30, देन 31 एंड देन 32। सबसे पहला काम मैंने कन्वर्ट कर लिया, अब दूसरा काम है काउंट करो उसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मुझे ये बताओ 6 इवन है कि ऑड है,
सिक्स इवन है, तो इवन में फॉर्मूला लगता है, इवन में फॉर्मूला लगता है एन बाई ट्वेल्थ टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वनथ टर्म। अब ये क्या ड्रामा है, क्या लिख दिया मैंने इसमें, एन मतलब सिक्स, एन जितने नंबर दे रखे हैं सिक्स, तो सिक्स बाई टू किया प्लस सिक्स बाई टू प्लस वन किया और डिवाइड किया टू से। अब सिक्स बाई टू काट दिया, थर्ड टर्म हो गई, और ये काट दिया थ्री प्लस वन, फोर्थ टर्म हो गई। मतलब मुझे क्या करना है, थर्ड टर्म को और फोर्थ टर्म को लिखना है और डिवाइड बाय करना है टू। अब देखो यहाँ पे जगह खाली है, मैं यहाँ पे करती हूँ। थर्ड टर्म मेरी कौन सी, वन टू थ्री, ये है मेरी थर्ड टर्म 26 प्लस, फिर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, ये है मेरी फोर्थ टर्म 30, और डिवाइड करना है मुझे टू से, तो 56 डिवाइड बाय टू करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा, आई विल गेट 28। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो गई होगी कि मैंने इतनी जल्दीबाजी में क्या कर दिया। तो एक इजी क्वेश्चन लेती हूँ और मैं आपको समझाती हूँ कि आप, मैं क्वेश्चन में कहना क्या चाह रही हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10, एक ये क्वेश्चन ले रही हूँ, थोड़ी सी लाइन लाइन पे ध्यान ना देना, अपनी पढ़ाई पे देना। ये दो क्वेश्चन मैंने ले लिए, ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर ये क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना ही करना, ठीक है। मीडियन में ये ध्यान रखना, बाद में नहीं बोलना कि मैम इसकी वजह से गलत हुआ। अब ध्यान दो, इसमें कितनी है, इसमें कितनी सीरीज है, दूसरा पेन, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 नंबर है, 5 नंबर मतलब ये ऑड दिखा रहे, इसको काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसमें कितने नंबर हैं, 6 नंबर हैं, 6 इवन दिखा रहे। अब इस इवन ऑड का क्या सीक्वेंस है, आगे देखो, ऑड में फॉर्मूला लगता है एन प्लस वन बाई ट्वेल्थ टर्म, और इवन में फॉर्मूला लगता है एन बाई ट्वेल्थ टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म। यहाँ थोड़ा गड़बड़ो, एक सेकेंड, ये लो, डिवाइड बाय टू। अब एन प्लस वन, एन है मतलब मेरा फाइव एन, तो फाइव प्लस वन बाय टू मतलब सिक्स टर्म, फाइव प्लस वन कितना हो गया सिक्स, सिक्स डिवाइड बाय टू, काटो इसको थर्ड टर्म। अब काउंट कर लो, वन ये है, टू ये है, थर्ड टर्म, तो मीडियन क्या हो गया मेरा सिक्स, सिक्स इज द मीडियन। समझ गए होपफुली क्या कहना चाह रही थी मैं। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगी सो दैट आप लोग मेरे साथ बने रहना। सिक्स इवन टर्म है तो सिक्स यहाँ पे पुट किया, तो सिक्स बाई टू प्लस सिक्स बाई टू प्लस वन, एन की जगह पे सिक्स, जितने नंबर हों एन की जगह पे वही रखना है, डिवाइड बाय टू। तो इसको मैंने काटा थर्ड टर्म और इसको काटा थर्ड, थ्री प्लस वन फोर, तो थर्ड टर्म चाहिए मुझे और कौन सी टर्म चाहिए, फोर्थ टर्म, डिवाइड कर दूंगी टू से। अब मैं इरेज कर लेती हूँ कुछ पार्ट ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि मैं क्या कह रही थी। अब देखो इसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ, थर्ड टर्म कौन सी है मेरी, सिक्स, देखो ये लिखा थर्ड टर्म है मेरी सिक्स, और फोर्थ टर्म मेरी कौन सी है, एट, तो थर्ड टर्म मेरी सिक्स प्लस एट डिवाइड बाई टू, तो सिक्स प्लस एट कितना आ गया, 14/2, दैट इज 7। तो ये हो गया मेरे को, मेरा जो आंसर है 7 इज द मीडियन। ओके समझ आया, चल ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन लेती हूँ मैं सो दैट कि आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चन में। मेरे पास जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन, मीडियन की वैल्यू निकालनी है
और मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए क्वेश्चन है मेरे पास 34, 37, 30, 38, 50, 34, 34, 38, 36, 45 एंड 31। अब जिस जिसको समझ आ गया मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा वो वीडियो पॉज करो, पूरा का पूरा सॉल्व करो एंड देन आंसर मैच करो, और जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ बने रहो ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मीडियन में डाटा दे रखा होता है, उसे असेंडिंग में अरेंज करना है। तो सबसे पहले छोटी टर्म देखो कौन सी है, 30, इसको कट कर दो, 30 लिख दिया भाई मैंने। उसके बाद 30 के बाद कौन सी टर्म है, 31, इसको लिख दो। फिर उसके बाद 31 के बाद कौन सी टर्म है, 34, 34 एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, तीन थी 34, 34, 34 एंड 34। उसके बाद 34, 34, 34 तीन बार लिख दिया, फिर 36 लिख दिया मैंने, 36। उसके बाद 37, अब ऐसे वो पेपर में मत करने लग जाना, काटा पीटी कर दो, ये सिर्फ समझाने के लिए काटा पीटी कर रही हूँ। 38 दो बार है, उसको भी लिख दिया 38, 38 और 45 लिख दिया एंड देन 50 लिख दिया। ये मेरे को पूरी की पूरी सीरीज मिल गई। अब क्या करना है, मुझे काउंट करना है। चलो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11th टर्म है, 11, n कितनी वैल्यू है, n की वैल्यू 11 है। अब बताओ n 11 जो है वो इवन है कि ऑड है, दैट इज ऑड, ऑड है ना ये। तो ये ऑड नंबर का फॉर्मूला लिख देते हैं जल्दी से। ऑड का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई 12th टर्म। तो n कितनी थी मेरी, 11 प्लस 1 बाई 2, मतलब 12 बाई 2, और मैंने इसको कट डाउन किया तो 6th टर्म। अब स्टार्टिंग से जब आप 6th टर्म मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जल्दी से, ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए कि 6th टर्म थी कौन सी। ये लो मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे कि 6th टर्म कौन सी थी, ठीक है। अब मुझे क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर कि 6th टर्म जो होगी वो मीडियन है, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6th 36 इज द मीडियन, ओके। चल जिन्होंने खुद सॉल्व किया है होपफुली उनका सही आंसर आया होगा, और जिनको समझ नहीं आया है उनको और समझ आ गया होगा। चलो अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं, आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूज़न है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी और सॉल्व करेंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। क्वेश्चन इज 39, 42, 33, 45, 36, 47, 35, 44, 49, 40, 37, 39, 44, 39 एंड 44, ओके। दिस इज द मीडियन। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करोगे, तो अब तो आपको पता लग गया होगा असेंडिंग ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले 33, अब मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ 35, अब आप आराम से करते रहना। 36, 37, 39, 39 तीन बार है, 40, 42, 44, 44, 44, 44 भी तीन बार है, 45, 47 एंड 49। अब ये है, अब मुझे क्या करना है इसको काउंट। चलो काउंट करते हैं इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टर्म्स है, 15। एन की वैल्यू कितनी है, 15। तो एन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ, एन नेगेटिव, सॉरी इवन है कि ऑड है, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कराने वक्त ये वाली रिपीट हो गई। चलो अब n इज़ 15,
दैट इज ऑड, और ऑड का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म. तो एन की वैल्यू दैट इज 15 प्लस वन बाई टू, दैट इज 16 बाई टू. एंड 16 बाई टू को सॉल्व किया, एट्थ टर्म आ गई. तो बता दो जल्दी से एट्थ टर्म इसमें से कौन सी है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इट मीन्स 40 इज द मीडियन. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन लास्ट है इस पार्ट का, और होपफुली इससे रिलेटेड आप लोगों की कंफ्यूजन मीडियन से रिलेटेड कभी नहीं होगी. फ्यूचर में आप कैलकुलेट कर लोगे कि मीडियन कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना, एंड ऑल दैट. ओके, लिखते हैं क्वेश्चन. लिखो मेरे साथ साथ. 25, 31, 32, 26, 26, 19, 10, 13, 20, 26, 19, 26, 19, 26, 30, 28 and 26. तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं. ओके, अब आप लोग क्या करोगे, इसका मीडियन कैलकुलेट करोगे. तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा इनटू असेंडिंग, अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो अरेंज करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से मैं लिख देती हूँ. 10, 10, 13, 13, 19, 19, 19, 1, 2, 3, 4, 4 times 19, 20, then 25, then 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times है. 4, 5, 6, okay. 30, 31, 31, and that's all. How many terms are there? Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. There may be something missing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And that's 20. 26 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 एक बार है, 31 दो बार है, 25 है, 20 है. 1, 2, 3, 4. 4 times 19 है, 13 टू टेंस है, और 10 दोबारा काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. क्या हो गया ये? 28 नहीं लिखा क्या? हाँ, 28, 26 के बाद इसको रब करती हूँ. वेट, 28 एंड देन 30, 31 एंड देन 31. ओके, सो दीज आर 20 टर्म्स. 20 टर्म्स से क्या डिफाइन हो रहा है कि एन की वैल्यू कितनी है? 20. नाउ फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? तो फॉर्मूला अप्लाई विल बी एन बाई टू एथ टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ टर्म डिवाइड बाई टू. तो एन की जगह पे क्या रखोगे? 20. तो 20 बाई टू एथ टर्म प्लस 20 बाई टू प्लस वन एथ टर्म डिवाइड बाई टू. आपने इसको एलिमिनेट किया, 10 आया, इसको एलिमिनेट किया, 10 आया. तो एक तो आपको इसको इरेज करती हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी मुझे. तो इसको करेंगे तो यू विल गेट 10th टर्म मिलेगी आपको और 11th टर्म मिलेगी एंड डिवाइड बाई टू. 10th टर्म कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 25th टर्म प्लस 26th टर्म और डिवाइड बाई टू. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपका 52th टर्म, 51. और फिर आपको इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर डिवाइड करके
मेंशन कर सकते हो. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर वीडियो. सॉरी, होमवर्क अपना नोट डाउन कर लो. होमवर्क इज लाइक आपको कैलकुलेट करना है 135, 120, 95, 100, 90 एंड 80. तो ये सारा का सारा आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है, मीन भी कैलकुलेट करना है. ठीक है, इन दोनों का मीन मीडियन कैलकुलेट करना. और एक बड़ा सा सम देती हूँ, -2, 48 डिवाइड बाय 16 प्लस 17 डिवाइड बाय 34 प्लस 18 डिवाइड बाय 36 इंटू 8. ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन फॉर इंटीजर. और बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर वीडियो. नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मीटअप करते हैं. उस लेक्चर वीडियो में हम लोग मोड सीखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है और ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल जैसे इस लेक्चर वीडियो में मैंने कराया. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों से मीटअप करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी.